আকাশে মেঘের ভেলা চলছে ধুনু জিনাজ আশোরার ঘন্টা বাজে এলো নতুন সাজে আকাশে পূজোর বন্ধুয়ার नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोग साथ बहुत ही अलग, बहुत ही स्टनिंग लुक शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मुझे, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। और ये वाला जो लुक है, ये दुर्गा पूजा स्पेशल लुक है। दुर्गा पूजा आ रहा है तो मैं सोची इस दुर्गा पूजा का कुछ अलग लुक ट्राई करे और कुछ अलग दिखे। मतलब हमेशा तो कॉमन दिखते हैं, तो ये लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हटकर है, बट फिर भी आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड ये जो मैं लुक अचीव की हूँ बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ की हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। एंड कुछ समझ नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देखते हो तो दिल से थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया था तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो अभी ज्यादा बातें नहीं करते, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ली हूँ, देन मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ आई मास्क। और आई मास्क अप्लाई करने का दो बेनिफिट है। पहले मैं बता दूँ, ये जो आई मास्क है ये गार्नियर का है। सो बेनिफिट इसका ये है, एक तो आपका आईज बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, सेकेंड कि सबसे पहले मैं मेकअप में अपना आई मेकअप करूँगी तो इससे बहुत अच्छा आई मेकअप भी होगा। तो इसलिए मैं जो आई मास्क है उसको इतने अच्छे से अपने आईज पर बैठा रही हूँ ताकि मेरा आई मेकअप करना बहुत ईजी हो जाए। तो एक मेरा लग गया, इसी तरह मैं सेकेंड आईज पे भी लगा लूँगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप आई मास्क लगाकर आई मेकअप करते हैं तो दोनों को इक्वल लगना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में एक आपका आईज अच्छा मेकअप होगा और एक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, देन उसके बाद ही इसको अप्लाई करना। तो मैं एकदम इक्वल में अच्छे से देख कर अच्छे से लगा ली, दोनों बराबर है। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दे रही हूँ ताकि जो इसका इसमें सीरम है वो मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो अब ये अच्छे से लग गया है, तो सब उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर मैबलिन का बेबी लिप्स यूज़ की हूँ, तो इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और इससे मेरा लिप्स है ना जो बहुत प्यारा सा दिखता है, आप देखना इसमें ना कलर वाला है, इसलिए मेरा लिप्स मतलब मैं हमेशा इसको लगाना प्रीफर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और इससे आपका लिप्स भी बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। तो मैं यहाँ पर ली हूँ यूरोपियन गर्ल का आईब्रो किट और ये मैंने न्यू मंगवाया है। तो इसमें भी आपको 3 सेट्स मिलता है और सामने एक फुल साइज़ का मिरर मिलता है और एक ब्रश मिलता है, और इसका ब्रश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो इसमें जो 3 सेट्स है वो ब्लैक, डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन। तो मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी और बहुत अच्छा फील होता है। अगर आपको पाउडर वाला आईब्रोज फिल करने नहीं आता है तो आप पेंसिल यूज़ कीजिए, क्योंकि आईब्रो जो पाउडर वाला है उसको बहुत ध्यान से करना होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बर्बाद हो जाता है, मतलब लाइक अजीब ही दिखने लगता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप ये वाला नहीं ट्राई करें, आप पेंसिल वाला ट्राई करें, देन उसके बाद जब आपको हैबिट हो जाएगा कि हाँ आप आईब्रोज अच्छे से फील कर सकते हो तो ही आप पाउडर वाला यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर अच्छे से अपने आईब्रोज को फील कर ले रही हूँ पहले, और उसके बाद मैं इसी पे इसी के पीछे एक स्पूली ब्रश भी मिलता है तो उससे मैं बहुत अच्छे से अपने आईब्रोज को कॉम कर लूँगी ताकि ये मेरा आईब्रोज बिल्कुल ही नेचुरल दिखे। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा फील हुआ है। सो डन, ये हो गया। देन अब चलते हैं अपने आईलिड पे। तो मैं यहाँ पर कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मैक का मिनी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एंड इस फाउंडेशन के बारे में जितना भी बोला जाए कम है, बहुत बहुत अच्छा फाउंडेशन है एंड फुल कवरेज देता है, इसलिए मुझे कंसीलर का कोई नीड नहीं है। बट जिनका बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट है, वो कंसीलर ज़रूर यूज़ करे, बट मेरा इसी से हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर ली हूँ और उसके हेल्प से मैं पूरे आईलिड पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड आप देखो इसका कवरेज, बस सिंगल कोट में ही इतना अच्छा इसका कवरेज आया। देन इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड मैक का बहुत सारा प्रोडक्ट्स हम लोग बड़ा वाला एफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मिनी प्रोडक्ट्स निकाल दिया है ताकि आप यूज़ करो और अच्छा लगे तभी उसका बड़ा लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसका बड़ा वाला ज़रूर लूँगी। सो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड अब मैं इसको सेट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर लैक्मे का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो जो ब्यूटी ब्लेंडर है छोटू सा, इसका जो फ्रंट साइड है उससे हम लोग फाउंडेशन को अपने आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड किए। एंड जो उसका बैक साइड है इसको हम लोग लूज पाउडर इसको इसमें लगाकर प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा फाउंडेशन है वो आईज पे अच्छे से सेट हो जाए। एंड इसके बाद हम जो भी आई मेकअप करेंगे वो इन्हेंस होकर दिखे। तो बहुत अच्छे से मैंने अपना आईलिड को सेट कर लिया। जितना अच्छा आपका बेस बनेगा उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा, तो बेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक ब्लेंडिंग ब्रश ली हूँ एंड उससे मैं अपने पूरे आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर ली ताकि जो भी एक्सेस पाउडर होगा वो रिमूव हो जाएगा। सो अब मैं अपना फेवरेट पैलेट ली हूँ, ये इरोप गर्ल का पैलेट है। एंड इसमें से सबसे पहले मैं ये लाइट ब्राउन सा सेट लेंगे जिसको ट्रांजिशन कलर बोलते हैं एंड मैं इसको ट्रांजिशन लाइन पे भी लगाऊंगी। तो जो आईज़ का और ऊपर में जो एक बोन का जैसा वो निकला हुआ रहता है ना, मतलब आप जब टच करोगे अपने आईज़ पे वहाँ पे फील होगा कि वहाँ पर मतलब बोन है, हड्डी है, तो उसी के ऊपर हम ट्रांजिशन कलर अप्लाई करते हैं और बहुत हल्का हल्का सा लेकर अच्छे से ब्लेंड करते हैं। मैं पहले के भी मेकअप ट्यूटोरियल में आप लोग को बताई हूँ कि जितना आप अच्छा से अपना आई शैडो को आईज पे ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट्स लेकर इसको ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं कहीं पर भी कट नहीं की हूँ, मैं जैसे करती हूँ वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता इसलिए। बट इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर ली। देन उसके बाद मैं यहाँ पर रेड कलर ली हूँ और रेड आई शैडो को भी मैं जस्ट अपने ट्रांजिशन सेट के ऊपर लगाऊंगी और आउटर कॉर्नर पे भी मैं रेड कलर ही आई शैडो अप्लाई करूंगी। देन उसके बाद मैं ये सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और जितना अच्छा से ब्लेंड होगा उतना अच्छा आई मेकअप दिखेगा। तो मैं बहुत हल्के हाथ से प्यार से ब्लेंड करती रहती हूँ, बहुत करती हूँ, देन उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो ये इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड जो दुर्गा पूजा का लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ इसमें मैं रेड वाइट गोल्डन ही कर रही हूँ। मैक्सिमम दुर्गा पूजा में लोग रेड वाइट गोल्डन ही पहनते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर रेड और गोल्डन का आई मेकअप कर रही हूँ। और ये एक ऐसा मेकअप है जो आप किसी भी ड्रेस के साथ कर लोगे तो वाओ दिखेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप मतलब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जैसे मैं की हूँ वैसा सेम कर लो, कोई भी ड्रेस के साथ कर लो, बहुत अच्छा दिखेगा बहुत। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश ली, देन उसके बाद इसी में से जो गोल्डन आई शैडो है इसको मैं पिक कर रही हूँ। देन अपने इनर कॉर्नर के बाद जितना भी आईलिड पे स्पेस बाकी है जहाँ पर मैंने रेड आई शैडो अप्लाई नहीं किया है वहाँ पर मैं ये गोल्डन आई शैडो अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ग्लिटर आई शैडो। तो मैं बेस में गोल्डन आई शैडो क्यों अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद इससे क्या होता है ना कि अगर आप इसके ऊपर गोल्डन ग्लिटर वाला आई शैडो अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा उभर कर आएगा, मतलब ज़्यादा ही शाइन करता है। ऐसा मैं ट्राई की हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी लास्ट में देखना। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा लाइटिंग नहीं है। मैं पहले का भी एक मेकअप ट्यूटोरियल से थी कि मैं अभी बाहर में हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ जहाँ पर मैं मेरा प्रॉपर लाइटिंग वगैरह है, मैं सब जगह लेकर नहीं घूम सकती, इसलिए मैं यहाँ पर नेचुरल लाइट में बना रही हूँ, जो एक नॉर्मल बल्ब होता है उसके उस पर बना रही हूँ, इसलिए उतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। बट अगर आप खुद करोगे तो आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पर डेली फॉरएवर का ग्लिटर ली हूँ, ये प्रेस्ड ग्लिटर है, बस इसको हल्का सा प्रेस कर करके अपने आईलिड पे अप्लाई कर लेना। एंड आप देखो इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर कि मैं आपको क्या बोलूँ, वाव लगता है। जब मैं इसको लाइट में दिखाऊंगी तभी आप देखना, स्टार्टिंग में तो आपने देखा ही होगा, एंड में भी मैं आपको दिखाऊंगी लाइट में थोड़ा सा, तब आप देखना कितना सुंदर दिख रहा है। और वही अगर अभी रिंग लाइट रहता मेरे पास सामने से लाइट तो इतना नहीं दिखाना पड़ता, थोड़ा सा में ही सब कुछ पता चल जाता। तो ये सब हो गया एंड उसके बाद मैं फिर से ब्लेंडिंग ब्रश ली हूँ, ऊपर का अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि जो भी एक्सेस ऊपर गोल्डन वगैरह लग गया होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद डन, ये हो गया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर प्लम का काजल ली हूँ, इसको मैं एज ए आईलाइनर अपने आईलाइनर के स्पेस पे लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैं आईलाइनर भी लगाती हूँ लेकिन पहले मैं ये काजल लगा ले रही हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद जब आप इसके ऊपर आईलाइनर लगाओगे ना तो
डबल जेट ब्लैक दिखेगा, लाइक एकदम ब्लैक दिखेगा। और बंगाली मेकअप लुक में आप देखना, मैक्सिमम लोग का ना जो आईलाइनर वगैरह होता है एकदम ब्लैक होता है। पता नहीं सबका अपना अपना ब्रांड होता है, कौन कैसा यूज़ करता है समझ में नहीं आता है, बट अगर आप इस तरीके से भी कोई बेस पे ब्लैक कलर काजल यूज़ करके ऊपर से आईलाइनर लगाते हो तो एक तो एकदम फिक्स हो जाता है, मतलब वाटरप्रूफ तो होगा ही, स्मच भी नहीं होगा, और एकदम जेट ब्लैक भी दिखता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर ली, देन उसके बाद ब्रश के हेल्प से मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर ले रही हूँ, तो अच्छे से ब्लेंड हो गया ये। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और जस्ट इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी। और मैं एकदम पतला सा आईलाइनर लगा रही हूँ, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम का जो होता है वैसा, कि हल्का सा मेरे मतलब मेरा आइज़ में हर चीज़ दिखे, लाइक आईलाइनर वो गोल्डन शेड, वो रेड, वो ब्राउन, हर दिखे, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से ही लगाना प्रेफर करती हूँ। तो ये हो गया डन, एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल ही जेट ब्लैक दिख रहा है। और उसके बाद मैं जो आई मास्क लगाई थी उसका भी काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं इसको अब रिमूव कर दे रही हूँ। इसका सारा सीरम मेरे स्किन एब्जॉर्ब कर लिया है, अब मैं इसको डस्टबिन में डाल दूँगी और अपने फिंगर के हेल्प से 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से डैब डैब कर लूँगी, ताकि जो मेरा स्किन है वो और भी मतलब फ्रेश हो जाए। तो अब चलते हैं बेस मेकअप पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पर, एंड कुछ टाइम से मैं नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि मुझे इतना पसंद आया, लाइक अगर आप ये वाला प्राइमर यूज़ करते हो ना तो आपका स्किन ना बहुत स्मूथ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको पूरे फेस हल्का सा नेक पे भी अप्लाई कर ली, देन उसके बाद मैं यहाँ पर मैक का स्ट्रॉप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला जो मैक का क्रीम है इसको मैं मैक्सिमम लोग को यूज़ करते हुए देखी हूँ, तो सब लोग मतलब बोलते थे अपने वीडियोस में कि इसको लगाने के बाद ना आपका स्किन पे ग्लो आ जाता है, एकदम ग्लो लगने लगता है। तो मैं सोचती थी बक ऐसा होता भी होगा क्या कि बिना कुछ किया, लेकिन लाइक सीरियसली इसको लगाने के बाद आपका स्किन बहुत ग्लो करता है, बहुत। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं ना अच्छे से आई मेकअप कर लूँ और सिर्फ ये क्रीम लगा कर भी बाहर जा सकती हूँ, मेरा स्किन बहुत ग्लो करेगा, आप देख सकते हो। मतलब लाइटिंग के वजह से उतना अच्छा से कुछ नहीं दिख पा रहा, बट फिर भी जो दिख रहा है आपको नेचुरल दिख रहा है, लेकिन जब इस पे फेस पे लाइट पड़ता है ना तो ज़्यादा ही मतलब कुछ भी चीज़ चमकने लगता है, तो बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था। तो ये भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर ली, देन उसके बाद मुझे इसको लगा के भी बहुत अच्छा लगा। सो अब फिर से मैं ये मैक का मिनी फाउंडेशन लगाऊंगी, और मेरा जो भी सेड है या जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको कुछ भी लेना हो तो आप एक बार ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं पूरे फेस और नेक पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, और जब आप फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो नेक पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं की, एंड उसके बाद मैं फिंगर के हेल्प से पहले इसको डैब डैब करके पूरे फेस पे फैला ली। एंड अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट आप थोड़ा देर बाद देखना एकदम नेचुरली हो जाएगा, गायब सा। तो ये हो गया, एंड उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको पूरा अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। और मैं इस फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फाउंडेशन कैसा लगा। सो अभी मैं इसको अच्छे से फटाफट ब्लेंड कर ले रही हूँ। सो डन, ये हो गया, एंड आप देख सकते हो जो मेरा बेस है कितना ग्लो कर रहा है और कितना स्मूथ हुआ है, आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं ये सबको अच्छे से सेट कर लूँगी, तो मैं यहाँ पर लैक्मे का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से पूरे फेस को सेट कर ले रही हूँ, एंड अपने पूरे फेस नेक सब जगह मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एक पाउडर ब्रश के हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी, ताकि जो भी एक्सेस वगैरह लगा होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ एक छोटू सा फ्लैट ब्रश, और उसके बाद सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ मैं रेड आई शेडो, और उसको वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। हाफ वाटर लाइन पर मैं रेड आई शेडो अप्लाई करूँगी और हाफ पे गोल्डन अप्लाई करूँगी, जैसा मैं ऊपर में की हूँ वैसा सेम टू सेम मैं नीचे करूँगी। बस नीचे का वाटर लाइन में मैं ग्लिटर आई शेडो नहीं लगाऊँगी, क्योंकि वो डर होता है ना कि कहीं अंदर आँख में चला ना जाए, इसलिए लगाने का ज़रूरी भी नहीं है। आप गोल्डन आई शेडो भी लगा लोगे तो वैसा ही सेम टू सेम दिखेगा। तो मैं एकदम अच्छे से लगाकर हल्के हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ताकि एकदम नेचुरल सा दिखे। तो डन, ये भी हो गया अच्छे से। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्लम का काजल, एंड इसको मैं अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन दोनों पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। एंड इस काजल के बारे में मुझे कुछ भी बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये काजल कैसा है, बट मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और काजल अप्लाई कर ली, उसके बाद मैं एक ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी,
और उसके बाद मैं फिर से लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर ली और जस्ट वाटर लाइन के नीचे मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो ये बंगाली मेकअप होता है ना, तो उसमें ना आप देखना कि मतलब अपर वाटर लाइन के ऊपर भी और लोअर वाटर लाइन के नीचे भी आईलाइनर अच्छे से अप्लाई किया होता है और साइड में विंग निकाला जाता है और मैं भी निकाल रही हूँ। बस मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग और मेकअप के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, जितना अच्छा लगेगा उतना निकालूंगी। सो मैं हल्का सा ही विंग निकाली हूँ, ज़्यादा विंग नहीं निकाली, और भी निकालती तो अच्छा लगता, बट मैं उतना ही निकाली जो मतलब मेकअप पे सूट कर रहा था। सो ये हो गया डन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ आई मैजिक का पैलेट, और ये बहुत अच्छा पैलेट है फ्रेंड्स। सो अभी मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इसको अभी एक से दो बार ही यूज़ की और 5-10 बार यूज़ कर लूँगी, तब मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मैं बहुत अच्छा इसलिए अभी बोल दी क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ है, लाइक इसमें आपको हाइलाइटर, ब्रश, कंटूर तीनों मिलता है, जो कि कैरी करने के लिए बहुत ईजी होता है। और एक से दो बार जो भी मैं यूज़ की हूँ, मुझे इसका पिगमेंट अच्छा लगा। आप देख सकते हो मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ इसी हाइलाइटर से, देन अपने आईब्रो बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ, और इसका हाइलाइटर का आप साइन देख सकते हो। तो इसलिए मैं अभी कंफर्म कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में, जब मैं और यूज़ कर लूँगी तब मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि कम प्राइस में बहुत अच्छा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर फिर से ली और इसका जो भी प्रोडक्ट्स लगा हुआ था ब्रश पे सब मैं उसी में रहने दी। देन उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा वहाँ पर विंग निकाल रही हूँ हल्का सा, ऐसा करने से आपका आईज और भी बड़ा दिखता है, आप देखना। तो मैं दोनों में हल्का हल्का सा निकाल ली। सो ये हो गया डन। एंड अब मैं ली हूँ पाउडर ब्रश और इसी का पैलेट से मैं ली हूँ कंटूर, और मैं अपने चीक को हल्का सा कंटूर कर रही हूँ थोड़ा सा। मुझे वैसे ज़्यादा नीड नहीं है, बट फिर भी मैं हल्का हल्का कर ले रही हूँ, क्योंकि इससे अच्छा एक शेप दिखता है, अच्छा लगता है लुक। क्योंकि आप इतना कुछ अप्लाई करते हो तो आपका ओरिजिनल जो फेस का जो नक्शा होता है वो छिप जाता है, तो इसको अप्लाई करने से वो उभर कर आता है। तो मैं हल्का हल्का अप्लाई कर ले रही हूँ कंटूर, तो मेरा कंटूर हो गया। देन इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर ली और इसी पैलेट से मैं अब ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जो दो शेड है पिंक और ऑरेंज, तो मैं दोनों को मिलाकर यूज़ कर रही हूँ, और एक बहुत प्यारा सा शेड बनता है जब आप दोनों को साथ में लगाते हो, तो बहुत ही नेचुरल सा अच्छा सा। तो मैं इसको लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अभी ये भी थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, मुझे भी अभी कैमरा में दिखा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट 5 मिनट के बाद ये सेट हो जाता है, देखना आप। तो मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ बहुत अच्छे से, और ब्लश को भी आप बहुत ज़्यादा ही ब्लेंड करो तभी वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये हो गया। देन उसके बाद मैं इसी पैलेट से हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हो इसका हाईलाइटर। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा वाला हाईलाइटर बहुत पसंद है जो इतना ज़्यादा शाइन करता है। सो मैं इसको अपने नोज़ पे, थोड़ा सा चीक पे, थोड़ा सा चिन पे, सब जगह अप्लाई कर ली। देन उसके बाद मैं यहाँ पर मैक का प्रेप प्लस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, मेकअप फिक्सर, जो मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लॉरियर का मस्करा यूज़ कर रही हूँ, और ये एक ऐसा मस्करा है जिसको अप्लाई करने के बाद आपको फॉल्स लेसेस का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अप्लाई करती हूँ फॉल्स लेसेस। बट उससे पहले मैं इसको लोअर लैस और अपर लैस दोनों पर अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर एक मिनिक बोलकर आईलेस है फॉल्स लेसेस, वो अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली ये इसका मुझे इसलिए अच्छा से नहीं पता है क्योंकि ये मैं मंगवाई नहीं हूँ, ये मुझे फ्री में मिला है, बट मुझे इसका भी लिंक मिलेगा तो मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे इसको लगाने के बाद बिल्कुल नेचुरल ही फील हो रहा था, नहीं लग रहा था कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल ही नेचुरल दिख रहा था। देन उसके बाद मैं लास्ट में बचा है लिपस्टिक, तो मैं यहाँ पर माइक्लेम का रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं अपने लिप्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, देन उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हो ये जो रेड कलर है एकदम बॉम है, बॉम, बहुत सुंदर है। सो मेरा लिपस्टिक भी अच्छे से अप्लाई हो गया। एंड अब मैं अपने ड्रेस को चेंज करूँगी, तो 1, 2, 3 डन डन। तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड अब मैं पहले थोड़ा सा अपने स्टाइल के बारे में बता देती हूँ कि जो मैं साड़ी पहनी हूँ बिल्कुल प्लेन रेड साड़ी पहनी हूँ, एंड इसके साथ जो मैं पेयर की हूँ वाइट ब्लाउज, एक्चुअल में वो ब्लाउज नहीं है वो टॉप है, बट आजकल मार्केट में इस तरीके का ब्लाउज स्टिच करवाया जा रहा है जो कि मेरे ड्रेस को और भी स्टनिंग बना दिया था। एंड उसके साथ मैंने कुंदन का ज्वेलरी पहना है, और साथ में अगर आप बिंदी पर फोकस करेंगे तो मैं बिंदी का जुगाड़ करके लगाई हूँ, छोटे छोटे बिंदी को कलेक्ट लगाई हूँ। सो थैंक यू।
सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा एंड आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कैसे दिख रही हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।